हेलो गाइस, आज हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं, हम उनके बारे में, उनके फीचर्स, उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और इससे पहले हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में पढ़ा और उनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हेयर आर सम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज इन्फेंसी, जो बर्थ से 2 ईयर तक के बीच में होती है। सेकंड अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 ईयर से 6 ईयर के बीच में होता है। फिर लेट चाइल्डहुड, वो 6 to 12 ईयर के बीच में होता है। फिर अडोलसेंस, जो 12 to 18 ईयर्स के बीच में होता है। देन अर्ली अडल्टहुड आता है, जो 18 to 14 ईयर के बीच में होता है। देन मिड अडल्टहुड, जो 40 to 60 ईयर्स के बीच में होता है। और जो लास्ट होता है हमारा लेट अडल्टहुड, जो 60 ईयर और उससे अबव में होता है। अब हम कुछ स्टेजेस के कॉमन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट स्टेज थी हमारी इन्फेंसी, जो बर्थ से 2 ईयर्स तक होती थी, इसमें जो कॉमन फीचर्स है इसके वो है, जैसे कि अ चाइल्ड जंप्स, वॉक एंड लर्न टू टॉक। जो चाइल्ड है वो जंप करने लगता है, वॉक कर सकता है और जो बात करना वो उसको लर्न करना स्टार्ट कर देता है इस स्टेज में। अ चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग अबाउट सिंपल एंड सोशल कॉन्सेप्ट्स। जो सिंपल सोशल कॉन्सेप्ट है इनके बारे में भी वो लर्निंग स्टार्ट कर देता है। द इमिटेट्स अदर पर्सन, वो जो दूसरे जो लोग हैं उसके आसपास, वो उनकी नकल कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। वो जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह खाते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स को वो इमिटेट करना शुरू कर देता है। द बॉडी ग्रोथ इज़ एक्सीलेटेड, उसकी बॉडी की ग्रोथ भी एक्सीलेट होती रहती है और वो उसमें फीचर जैसे ही आ जाता है, जैसे ही स्टार्ट लर्न टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, वो बॉडी वेस्ट को कंट्रोल करना सीख जाता है। चाइल्ड लर्न टू रिलेट वन सेल्फ इमोशनली टू पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर पीपल। वो इमोशनली अपने आप को पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से और अदर लोगों से रिलेट करना स्टार्ट कर देता है। ही लर्न्स टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग एंड बिगिनिंग टू डेवलप ए कंसाइंस। इस स्टेज में बच्चे की कंसाइंस डेवलप होती है, वो स्टार्ट लर्निंग उसकी स्टार्ट होती है। वो राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस करना शुरू कर देता है, राइट रॉन्ग समझना शुरू कर देता है। अब जो सेकंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 to 6 ईयर के बीच में होती है, इसके कुछ फीचर्स है, जैसे कि जो इन्फेंसी फीचर्स थे उसके बाद इस स्टेज में बच्चे की स्ट्रेंथ डेवलप होती है। फिजिकल ग्रोथ अकर्स लाइक एक्सपेंशन ऑफ मसल्स, स्पीड इन बॉडी एक्शंस, चेंजेस अकर इन रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर डेवलप्स। इस स्टेज में बच्चे की जो मसल्स है उसमें एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी एक्शंस की स्पीड बढ़ जाती है, चेंजेस होते हैं रेस्पिरेशन में, ब्लड प्रेशर में, मेमोरी भी इंक्रीज होती है और लैंग्वेज स्किल भी डेवलप होती है। और वो आसपास के लोगों से डिफरेंट नए नए वर्ड्स सीखना शुरू कर देता है और वो जो सोशल रिलेशनशिप्स है उनके बारे में भी नए कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है। सोशली ही शी डेवलप्स न्यू फ्रेंड्स एंड वॉन्ट्स सोशल अप्रूवल ऑफ हिज और हर एक्शंस। वो सोशली बाहर अपने नए नए फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देता है और उसको एक नीड होती है सोशल अप्रूवल की, जो भी वो काम करता है कि ये सही है या गलत। और इस स्टेज में चिल्ड्रन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द एनवायरनमेंट और इस स्टेज में जो है वो बच्चों के इमोशंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड स्टेज है लेट चाइल्डहुड, जो 6 to 12 ईयर्स के बीच में होती है। यूजुअली इस स्टेज में बच्चे जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और इस स्टेज में दे स्टार्ट लर्न फिजिकल स्किल नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स। उनकी जो फिजिकल स्किल्स, जो ऑर्डिनरी वो गेम्स खेलते हैं उसके लिए फिजिकल स्किल जो चाहिए वो उसके बारे में लर्न करना शुरू कर देते हैं। डेवलप फंडामेंटल स्किल्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग।
रीडिंग राइटिंग कैलकुलेटिंग में जो जो बेसिक स्किल्स की नीड होती है वो बच्चों में डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग के लिए जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है वो ज़रूरी हो जाता है बच्चों का। उनकी एक कंसाइंस ए सेंस ऑफ मोरालिटी स्केल ऑफ वैल्यूज़ ये सब डेवलप होने शुरू हो जाती है। डेवलपमेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड सोशल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इनके सोशल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के और भी जो उसका डेवलपमेंट है वो एटीट्यूड वो डेवलप होने लगता है। ही स्टार्ट लर्न्स टू गेट अलोंग विद एजमेट्स वो एजमेट्स के साथ रहना सीख जाता है। वो पर्सनल इंडिपेंडेंस अचीव करना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट बिल्डिंग ए होलसम एटीट्यूड टुवर्ड वन सेल्फ एज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म जो होलसम एटीट्यूड की वो अपने आप को एक होल में देखता है, अपने आप को बहुत अलग इमेज बना लेता है और इंडिविजुअल और सेल्फ अपना वर्क करना शुरू कर देता है। एक टेंडेंसी आ जाती है उसके अंदर। लास्ट स्टेजेस एडोलेसेंस 12 टू 19 ये फोर स्टेजेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दिस इज़ फोर्थ वन जो 12 टू 19 ईयर्स के बीच में होती है और इसके कॉमन फीचर्स है दिस इज़ द पीरियड इन विच बॉयज़ एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। इस फीचर में जो ये पीरियड होता है इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स चाइल्डहुड से अडल्टहुड की ओर जाते हैं मेंटली फिजिकली इमोशनली और सोशली। जितने भी फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स को देखते हुए वो एक अडल्टहुड की स्टेज में जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ स्ट्रोम एंड स्ट्रेस इस पीरियड को स्ट्रोम और स्ट्रेस के बारे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस पीरियड में बच्चों को बहुत वो अपने आप को एक बड़ा मान ले ऐसा मानते हैं कि हमें अब बड़े हो गए हम हमारे ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है और बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम होती है वो चाहते हैं कि वो उसे खुद ही फेस करें। द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड इन्वायरमेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ए पर्सन एट दिस स्टेज जो डेवलपमेंट ग्रोथ है और ग्रोथ है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करती है और इस स्टेज में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। चिल्ड्रन जो है वो इस स्टेज में एक्टिव होते हैं शार्प होते हैं और कीन ऑब्जर्वर होते हैं वो अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। देव गिव इस स्टेज में दे स्टार्ट गिविंग मोर अटेंशन टू बॉडी ब्यूटी स्ट्रेंथ इन सब चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं। बॉयज़ लव स्ट्रेंथ एंड प्ले द गेम्स बॉयज़ जो है वो स्ट्रेंथ दिखाने में ये सब पसंद करते हैं और गेम खेलना और जहाँ पे पावर को शो किया जाए ऐसे वो गेम खेलते हैं। दे थिंक इन एब्स्ट्रैक्शन वे उन चीज़ों के इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती बस उनके बारे में सोचा जाता है। दे कैन एंटिसिपेट द फ्यूचर नीड्स एंड प्लान फॉर दैट वो ऑल्सो फ्यूचर नीड्स और प्लान को भी एंटिसिपेट करते हैं। देयर एबिलिटी टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंक्रीजेज जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम उनके वो फेस करते हैं वो उसको सोल्व करने की उनमें एबिलिटी बढ़ जाने लगती है क्योंकि वो खुद से ही सब कुछ सोल्व करना चाहते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ जो कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ हैं उन्हें भी वो समझने की कोशिश करते हैं। दे डेवलप द कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ एंड टॉक फॉर आवर्स उनमें कम्युनिकेटिव एबिलिटी भी डेवलप होती है और वो घंटों तक बात भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज डेवलप्ड विच मेक दैम टू मेक डिसीजंस अबाउट फ्यूचर इस स्टेज में उनका जो है कॉन्फिडेंस वो डेवलप होता है जो हेल्प करता है उन जो फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिए। मोरल कॉन्सेप्ट आर डेवलप एंड दे नो दैट वॉट इज़ मोरली एंड सोशली राइट एंड रॉन्ग उनका मोरल जो कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप होता है और वो जान जाते हैं मोरली और सोशली कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। द एडोलेसेंट पीरियड इज़ नॉट रेशनल बट इमोशनल दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम ये रेशनल नहीं लेकिन ये इमोशनल पीरियड होता है। यहाँ पे बच्चों के काफ़ी सारे इमोशंस डेवलप हो जाते हैं इसलिए इस पीरियड को स्ट्रेस और स्ट्रोम का पीरियड कहा जाता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस व्हेन दे डोंट एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन और रोल फॉर विच दे आर सपोज टू बी उनमें इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है जब वो नई सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और उस रोल में नहीं ढल पाते जिसके बारे में वो सोचते हैं कि हम ऐसे हैं।